स्टूडेंट्स, अब तक हमने चैप्टर 3 का एक्सरसाइज जो 3 चल रहा है उसके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 देखा। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट इन फिगर एज वेल एज इन वर्ड, एंड हियर इज फर्स्ट एग्जांपल, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो हमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखना है। पहले इन्हें हमें फिगर में लिखना है, तो पहले हम इसको इन फिगर लिखते हैं। इन फिगर द नंबर विल बी स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 10,000 इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। नाउ वी विल राइट इन वर्ड, इन वर्ड, इन वर्ड में हम लिखेंगे 10,000। ये हो गया स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। हमारा सेकंड एग्जांपल है द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हम इन फिगर में लिखेंगे। फिगर में लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा 99,999, और इन वर्ड में होगा 99,999। यह होगा इन वर्ड। अब यहाँ पे एग्जांपल नंबर सी है द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे हम इन फिगर में स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखेंगे। एक बात ध्यान में रखनी है हमें, स्मॉलेस्ट नंबर में 0,0 आते हैं और जो होता है पहला 1 होता है। तो यहाँ पे हमें 6 डिजिट नंबर बनाना है, इसलिए 1, 2, 3, 4, 5 6 डिजिट नंबर, और ये 6 डिजिट नंबर हो गया 1 लाख। तो हम इसको इन वर्ड लिखते हैं 1 लाख, 1 लाख। ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखना है, तो हम यहाँ पे लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर फिगर में लिखेंगे, और फिगर में लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 9,99,999। तो इसको हम वर्ड में लिखेंगे 9,99,999. इस तरह से आप स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर और लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर का लिख सकते हो। अब हम देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। जो फिफ्थ क्वेश्चन है, उस फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है। तो हमने इससे पहले जो क्वेश्चन देखे थे, अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, रीराइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स विथ प्रॉपर कॉमास यूजिंग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। तो ये जो नंबर है हमें, ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में के हिसाब से लिखना है। तो इस नंबर को हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से लिखेंगे, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट।
इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से इस नंबर में हम कॉमाज रखेंगे, तो पहले नंबर लिख लेते हैं, नंबर है 364619, और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में हर पीरियड 3 डिजिट का होता है, इसलिए 1, 2, 3 के बाद हम यहाँ पे कॉमा रखेंगे। तो ये हो गया 364619। अब इस नंबर को लिख लेते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इस नंबर को पहले अरेंज करेंगे हम 509067, 1, 2, 3 के बाद यहाँ पे कॉमा होगा। अब इस नंबर को भी हम वैसे ही लिखेंगे 1679102, तो यहाँ पे 3 डिजिट के बाद कॉमा और यहाँ पे 3 डिजिट के बाद कॉमा आएगा। इस तरह से आप इन नीचे वाले नंबर को भी लिख सकते हो। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में हर पीरियड 3 डिजिट का ही होता है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग इन इंटरनेशनल सिस्टम। इस नंबर के नेम हमें इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से लिखने हैं, तो पहले हम इसके पीरियड बनाएंगे 360520, और यहाँ पे कॉमा आएगा, तो ये हो गया 360,000, तो ये नंबर हो जाएगा 360,520। अब इस नंबर को, सेकंड वाले नंबर को पहले लिख लेते हैं, ये नंबर 603097, यहाँ पे कॉमा आएगा 3 डिजिट के बाद, तो ये नंबर हो जाएगा 603,000, 603,097। अब ये तीसरा नंबर देख लेते हैं, इस तीसरे नंबर को अरेंज करेंगे पहले 1400317, 3 डिजिट के बाद कॉमा, यहाँ पे 3 डिजिट के बाद कॉमा, तो ये हो गया मिलियन का पीरियड, तो ये नंबर हो जाएगा 1,400,417। इस तरह से हम ये नीचे वाले नंबर भी लिख सकते हैं। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में हर पीरियड 3 डिजिट का होता है। पहला पीरियड जो होता है वो होता है 100 का, दूसरा जो होता है वो होता है 1,000 का, और तीसरा होता है मिलियन का। तो आप इस तरह से इन नीचे वाले नंबर को लिख सकते हैं। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है, यूजिंग द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट राइट द न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स प्लेसिंग द कॉमाज एट राइट प्लेसेस। हमें ये फिगर में लिखने हैं, तो यहाँ पे दिया है 305,000, तो हम पहला पीरियड लिखेंगे 305,682, यहाँ पे कॉमा होगा 682, इस तरह से ये नंबर बन जाएगा। नेक्स्ट नंबर है हमारा 500,000, तो नेक्स्ट नंबर पहले 500,000 लिख लेते हैं, फिर कॉमा आएगा, उसके बाद 99,099, ये हो गया 500,099। अब तीसरा नंबर हमारा देख लेते हैं, 1,000,000, तो पहले मिलियन लिखेंगे, 1,000,000 के बाद कॉमा, 1,164,000, 164,000, फिर कॉमा आएगा 200, और उसके बाद आएंगे 200, तो इस तरह से ये नंबर हो जाएगा।
इस तरह से आप ये नीचे वाले नंबर भी लिख सकते हैं, मैं आपको ये नंबर दिखा देता हूँ, ये आपको सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हो गया। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।